मुरादाबाद में हुई मूसलाधार बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में करीब 5 से 4 फीट तक पानी भर गया है। पानी की पर्याप्त निकासी न होने से यहाँ के लोग अब आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सर, ये भोलानाथ कॉलोनी में आपने आज निरीक्षण करा, क्या कम लगा आपको? देखिए, यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। एक तो ये लो लाइंग एरिया है, काफ़ी नीचा बसा हुआ है। दूसरा, इसके सहारे जो करूला नाला निकलता है वो उस नाले की दीवार भी थोड़ा कम ऊंची है। ये भी मुझे बताया गया है कि यहाँ खेती करने के लिए नाले की दीवार से होकर के लोग पानी लेते हैं। गर्मी के दिनों में तो सिंचाई के लिए ये काम ठीक है, लेकिन जब बारिश आती है और तेज़ी से जल भराव होता है तो उन्हीं दरारों से होकर के या कभी कभी नाले की दीवार से होकर के वो पानी आबादी क्षेत्रों में भर जाता है। आज इस पूरे क्षेत्र का मैंने दौरा किया है और ये महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर स्थायी निर्माण कराने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें नाले की दीवार को भी ऊंचा कराना आवश्यक है और कुछ जगह जहां सड़कें नहीं बनी हैं वहां सड़कों का निर्माण कराना भी आवश्यक है। अभी देखिए, चूँकि बरसात का मौसम है और भरे हुए पानी में कोई बड़े निर्माण कार्य नहीं हो सकते, तो फौरी तौर से जो भी आवश्यक होगा, रेत की बोरियाँ रख करके अगर पानी रोका जा सकता है तो वो रखी जाएंगी। कहीं पंप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पंप लगा करके पानी बाहर निकालेंगे और बरसात का सीज़न समाप्त होने के बाद जल्दी से जल्दी यहाँ जो है स्थाई उपाय किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस समस्या से एक बड़ी संख्या यहाँ पर रहती है। पिछले साल भी इसी तरीके के हालात बन गए थे, लोगों के आने जाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में नाव का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या जो नगर निगम की कर्तव्य निष्ठा है उस पर सवाल नहीं उठता? देखिए, सवाल किसी पे भी खड़े हो सकते हैं, सवाल खड़े करने से समाधान नहीं होता जी। समाधान जो है पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने से होता है और आज देखने के बाद ही ये मैंने निर्णय लिया है और निर्देश दिए हैं कि जो भी स्थायी उपाय करने हो जल्दी जल्दी कर लिए।